अज सवेरे इन्होंने मुंडे सद के साथ हमला किया नाल मुंडे तीन चार प्यो पुते आ एक ने एक नूह इन्हों की एक हंसे के घर की आ बाकी देखे बड़े चलाए आते साढ़े घर गोभी के सट लगी है वह भी ताफा ला पर थोड़ी देर पहले जो मैं घरे आया घरे ही मौजूद सी जो पक दे मना किया नहीं 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 मनप्रीत ने लत मारी हस्पताल ही सू पुछा नहीं असि अभी क्या थाने सारी गई सू कह दी पिछले दिन श्री गुरु हरगोबिंदपुर के कोल लगते पिंड घुमाण विच एक झगड़े की खबर सामने आई जिस विच गंभीर रूप में जख्मी महिला बलविंदर कौर बटाला सिविल हस्पताल इलाज लई पहुंची उत्थे पत्रकारां नाल गलबात करदिआं आरोप लगाउंदे होए दस्सिआ कि मिति 27 जून नूं सवेरे करीब 10 बजे उन्हां दे शरीकां वल्लों हंसराज उसदी पत्नी जोगिंदर कौर लड़के रवि नवदीप अते अनपछाते 20-25 व्यक्तियों वल्लों उन्हां दे घर इट्टां अते तेजदार हथियार नाल हमला किया गया जिस विच ओह ते उसदा सहुरा गंभीर रूप विच जख्मी हो गए सन जदों इस संबंधी दूजी पार्टी का पक्ष लैण लई उन्हां दे घर तक पहुँच की तो परिवार के सारे मैंबर घर मौजूद सन पर सब ने पक्ष देने तो इनकार कर दिता। बाद विच विरोधी धिर जोगिंदर कौर वालों फोन करके अपने पक्ष विच सारे दोषों नकारते हुए उल्टा बलविंदर कौर के धिर ते आरोप लगाए कि साढ़े वालों बाहरी व्यक्ति नहीं उन्हां वालों लिया गए सन जिन्हां वालों उन्होंने सारे घर विच इट्टां मारी गईयां ते साडी नौ जो गर्भवती है उसके ढिड विच लत्तां मार के जख्मी कर दिता है अते ओह सवेर दी सिविल हस्पताल घुमाण विच दाखल है जबकि उसके पक्ष तो यह साबित होंदा सी कि वह झूठ बोल रही है क्योंकि कुछ समय पहला पत्रकार उन्हां दा पक्ष लैण पहुंचे सी तां बलविंदर कौर बिल्कुल सही हालत विच घर मौजूद सन अते जोगिंदर कौर अपने घर विच इट्टां भी खिलार रहे सन जो पत्रकार दे कैमरे विच कैद हो गए हन। सच अधूरा ना रहे इसलिए पत्रकार जब वापस सिविल अस्पताल जाके इस मामले की पुष्टि की गई तो यह गल सामने आई कि कुछ समय पहला ही बलजिंदर कौर हस्पताल दाखिल हुई है जबकि झगड़ा सवेरे करीब 10 बजे होया सी। पत्रकार घर शाम 4 बजे पहुंचे बलविंदर कौर हस्पताल शाम 6 बजे दाखिल हुई जिस तो यह साबित होंदा है कि सोची समझी साजिश नाल उक्त जोगिंदर कौर वालों पुलिस ते मीडिया नूं गुमराह करन दी कोशिश की गई है जबकि इस मामले में पुलिस का पक्ष लै गया तो SI जोगिंदर सिंह ने फोन पर दसिया कि तथ्य जो सामने आने कार्रवाई कर दी जाएगी। रमेश बैल की खास रिपोर्ट लाइट ऑफ नेशन श्री हरगोबिंदपुर साहिब। घर मतलब चाची सास के मुंडे छोटी चाची के मुंडे बेटे लड़ाई असं उन्होंने छुड़ा ही गए थे उन्होंने लड़ाई की रात को लड़े ने सवेर को अगले दिन ही उन्होंने मुड़ के सवेरे सवेरे बंदे कट्ठे करके मुंडे बुला ले बाहरों तो मुंडिया ने साडे ते इदां कीता हवाल किया घर में आ के चाची के दो बेटे एक चाचा चाचा सहुरा है तो नाल इन्हू कहता चाची सास की नौ तो चाची सास वा मैं और नवनीत कुमार तो रवि तो हंसराज सिंह झगड़ा कोई नहीं छोटी चाची दे नाल सी झगड़ा पहला साडा नहीं कदी इदां दा झगड़ा मतलब घर विच छोटी चाची नाल झगड़ा ही पहला उन्होंने इदां कदी झगड़ा किया नहीं घर विच आपस विवाद चलते रहिंदे ने छोटी मोटी लड़ाई होंगी पर इदां दा कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं आई तो इन्होंने रात छोटी चाची दा करके सानू भी विच बंदियां कोलों मेरे सहुरे दे ते साडे कटवाया सानू हथियार लैके आए किरचा कुरचा बेसबॉल वगैरा सब कुछ फड़िया से उन्होंने तो उन्होंने मतलब गली भी कुटी गली रोड़े भी चलाए साडे सारिया ते सहुरा है मेरा एक उत्थे ने घुमाण आ घर विच कोई है नहीं घर च ने ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਗੱਲ ਆ ਸ਼ਡਾਉਣ ਗਏ ਆ ਰਾਤ ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਨਾਲ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੋਲ ਪਿਸਤੌਲ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ
तीन चारे प्यो पुत एक नूह इन्हों की एक हंसे के घर की आ बाकी दो भरा एक प्यो नाल ते बाकी मुंडे 35-40 घरे आए आगे इन्हें कोई पिस्तौल दातर इन्होंने को इटा रोले चलाया कोठे चल के उ चार स्पेरों घेरिया हाल इन्होंने सट्टा मेरे लगियां वा मेरी वड्डी नूहां दे लगियां वा बाकी दूजियां नूहां दे लगियां वा दूजियां सारे सट्टा लगियां मनप्रीत लाल कमान दे भाई पहला थोड़े दिन पहला की गल महीना डेढ़ महीना कि दोवें चाचे के मुंडे आपस में लड़े ही मजाक मजाक तो उन्हें डैडी को कुछ किया डैडी की डैथ हो गई तो यही गल तो इन्होंने खैबाजी हो गई तो आपस के लड़े मैं उदन भी छिड़ाया इन्हों तो उस तो बाद इन्हें राजीनामा हो गया तो हूँ कल फिर ये पता नहीं की गल हुई इन्होंने आपने घर बैठे ही चाचे उन्होंने मुंडे हंसे के मुंडे तो चाचा जो है नहीं है साढ़े ना कोई झगड़ा नहीं उस टाइम ठीक है जी उदो भी चाचे ने मेरे थप्पड़ मारा मैं फिर भी नहीं बोलिया मैं चलो कोई नहीं वड्डे है तो उस तो बाद हूँ कल इन्होंने आके तो उन्होंने कुटिया सानू किसी गल का नहीं पता ये चीका मारता पाया बारी चो डैडी मैंने मारता डैडी मैंने मारता जो आप भजे गए इन्होंने अंदरों गेट मारिया ही तो उन्होंने डांगा ना कुटन डे ही तो भज के माहे अंदर वड़िया चाची दे मारी डांग डूंग उस तो बाद कंध टप के गए हैं छिडाया वा छिडाउन तो बाद इन्होंने सानू भी गाला गुला कड़िया वा तो अं फिर भी नहीं बोले तो सवेरे इन्होंने की किया फिर चाची आके घर हाडे गाला कड़ के गई है गाला कड़न तो बाद मैं कुटते जाके चाची ने आख्या चाची तर हाडा कोई नहीं है मैं झगड़ा ना उन्होंने वा अं छिडाउन डे कि चलो दोवें अपने हैं कि जो सट पेट लग जूगी तो सानू नहीं पता भी इन्होंने ये करनी चाचे के मुंडे डैड ने भी गाला कड़िया तो मैनू भी कहता तू वा बदमाश तेन वेख लूँ मैं इदा उदा मैं मुंडे सदने तो मैं तेन वढ़ा वा मैनू मेरा जरा मासड़ा ए एस आई कहता तू जो मर्जी कर ला वढ़ वुढ़ दे मैं तेन मैं भी कोई नहीं वेख लूंगा पता नहीं हूँ उन्हें कहा कि नहीं क्या पर इन्होंने इन्नी गल धमकी दी है फिर मुंडे को फोन भी करवाया इन्होंने वो मेरे को रिकॉर्डिंग नहीं हुई ठीक है जी उस तो बाद घर बहुत रोटी खाण डे आप कोई गल नहीं की मैंने बेटी ने फोन भी किया भी तेरे भरावान ने मेरे ना इदा की है उन्होंने समझाओ वो कहती कि उन्होंने मैं समझाता उन्होंने कोई गल नहीं करनी तुम ना कोई गल करो अं आराम ने घर बैठे हाँ सानू पता इन्हें 30-35 बंदे सद के हाड़ते हमला करवाया तो वो चाचे का लड़का घर है नहीं तो इन्होंने हाड़े पर हमला करवा दता वड्डी भाभी सट्टा लगियां डैडी से लगिया बाकी भाभी होना भी बजिया वा दूजिया सट्टा तो ठीक है जो अं थाने चले हाँ हाँ जी मैं अंदर रोटी खाना पाया ही तो मैं भी बाद में देखा जो भज के कहते इन्होंने पहला इटा मारनिया शुरू की हाडे हाँ जी बाद पहला बहरों मारनिया शुरू की बाद जो आप अंदर वन लगे ना यह उत्ते चढ़ के इधर हूँ आ गए उन्होंने घर सी अद्धे मुंडे बाद जो मैं भाभी ने आख्या कि यह काम ज्यादा बद गया भी आप थाने चलते हैं तो आप थाने चले नंगे पैरी चिक्कड़ के इन्होंने की किया मुंडिया घेरा पवाता सानू इधरों दो मुंडे घलते चार उधरों घलते तो आप ही थाने चले गए सानू थाने भी नहीं जान दिता तो बाद इन्होंने मुंडे पैरे के हलार छे अगे भी बाद मैं लोग लगा के भाभी होस्पिटल लै गया वो कहते कि नहीं तुम बटाले लै जाओ इतने डॉक्टर है नहीं है तो फिर आप बटाले लै गए तो इन्होंने इदा हाथ से हमला किया लिया गए तेरना तो मुंडा ही रवि ही मिंटू ही हंसा ही चाचा मेरा जोगिंदर चाची ही तो भाभी ही गुरजिंदर।